हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ये हरि नाम को कैसे फैलाऊं, क्या इसको विस्तार कैसे करूं, इसको जग जग तक कैसे पहुंचाऊं, जन जन तक कैसे पहुंचाऊं, भगवान की ग्लोरी, भगवान की जो यश है, हरि नाम है, ये क्या पहुंचेगा, जन जन तक कैसे पहुंचेगा। अभी आप क्यों नहीं सोच पाते ऐसे, क्यों नहीं दिमाग में आते आपके आइडिया, क्योंकि मन ही नहीं है, अभी मन ही नहीं है। अरे मन जिससे, अगर किसी को पनीर की सब्जी अच्छी लगती होगी प्रभु जी, तो दिमाग लगाएगा पनीर कैसे, अलग अलग स्टाइल से बने, बुद्धि नहीं। जो खाने का शौक होता है वो क्या करता है जी, और जिसको खाने का शौक नहीं होता, कभी आप दिखा है वो दिमाग लगाते हुए क्या यार जो खिला दिया ठीक है खुश है, परंतु जिसका मन लगा हुआ है वो नए नए तरीके ढूंढता है, वो नए नए तरीके ढूंढता है, बुद्धि लगाता है, बुद्धि शुद्ध हो गई। क्या शुद्ध हो गई, क्या शुद्ध हो गई प्रभु जी, शुद्ध हो गई। स्टेप बाय स्टेप ना, शरीर लगाया, वाणी लगाई, फिर क्या किया, उससे मन शुद्ध हुआ, मन लगने लग गया, जब मन लगने लग गया तो बुद्धि ने, बुद्धि भी शुद्ध होनी शुरू हो गई, क्योंकि बुद्धि उसी कार्य को आगे करने के लिए लग जाएगी। सही बात है गलत बात है बताइए, हैं जी। जिसको जिसका मन पैसे में लग जाता है वो नए नए तरीके ढूंढता है बुद्धि लगा के पैसे लाने के लिए, नहीं कैसे कमाऊं, इस तरीके से उस तरीके से, जैसे गुजरात के अंदर सर्विस भी कर रहा है, शाम को पापड़ बेचता है, बीवी बना के रखती है, वो बेचने जाता है, तो बुद्धि लगाता है कैसे मैं लाऊं। तो इसी तरीके से भक्तगण क्या करते हैं, भक्तगण कर सकते हैं ये सिर्फ कि दिमाग मन, क्योंकि मन लग गया भगवान, तो फिर ये आता है कि सबको क्यों नहीं दिया जाए, ये सबको कर दिया। बहुत ही देखा है तो किसी को नया आइडिया मिल जाए कोई चीज तो सौ में बांट दे। ईर्ष्यालु हैं ये लोग, सारे के सारे ईर्ष्यालु हैं। मैं भी चर्चा कर रहा था इसे पीछे, मैंने बताया भी स्टेटमेंट, रूपा ने कहा है भागवतम के अंदर, जो कैसे पता लगता है व्यक्ति एनवीएस है, ईर्ष्यालु है, अगर वो कॉम्पिटिशन में है, अगर वो कॉम्पिटिशन कर रहा है किसी से, समझ ले ईर्ष्यालु है, क्या है ईर्ष्या। और आज पूरा समाज क्या कर रहा है, कंपटीशन, सब पे सब क्या है, ईर्ष्यालु है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है, गलती से नहीं। ईर्ष्या तो वो चीज है, आग नजर नहीं आती परंतु धुआं ही धुआं होता है, जलता रहता है, वो क्या करता रहता है, जलता रहता है। जो ईर्ष्या नहीं करता वो बांटता है, उसके लिए कोई कंपटीटर नहीं है, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। यही मैं आप लोगों से कहता हूं, किसी व्यक्ति को अपना कंपटीटर मत मानना, अगर माना तो ईर्ष्या नहीं खत्म हुई, अभी भी ईर्ष्या के पुतले हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो, और दूसरे से आगे बढ़ने का इच्छा है, खत्म, क्या ईर्ष्या है। तो प्रभुपाद जी ने कई जगह कहा स्पिरिचुअल कंपटीशन, उसका मतलब क्या है, आपने कहा कंपटीशन, प्रभुपाद ने कहा है पहले स्कंद के अंदर, पहले स्कंद के अंदर भागवतम के अंदर पहले श्लोक में चर्चा करते हुए परपट में लिखते हैं, तो ये स्पिरिचुअल कंपटीशन क्या हुआ, फिर भौतिक कंपटीशन में क्या होता है, मैं इससे आगे बढ़ू, क्या मैं इससे इसको पीछे कैसे कर दू, मैं आगे बढ़ू। आध्यात्मिक कंपटीशन ये है कि मैं दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूं, पूरी तरीके से दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूं आगे चलने के लिए, अपने आप को भी आगे चला रहा हूं, मुझे ऐसे कैसे हो सकता है, ये कंपटीशन कैसे, यही तो स्पिरिचुअल कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा कहते हैं कंपटीशन, है ना, प्रतिस्पर्धा, हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्या प्रतिस्पर्धा करते, प्रति नहीं करते, हम दूसरे की सेवा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है कि जितना दूसरे को भक्ति कराओगे
उतना तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। ओ कमाल हो गए। नहीं देखा भगवान ने कह तो दिया है अर्थ के अंदर, पता लगता है कि जो मेरा ये प्रचार करता है उसका मतलब जो दूसरों को भक्त बनाना चाहता है वो मुझे सबसे प्रिय है। कहाँ कहाँ की जो खुद भक्त बनना चाहता है, ध्यान रखना उस स्टेटमेंट को। क्या स्टेटमेंट भगवान की? जो मेरे भक्तों के बीच में इस ज्ञान का प्रचार करता है उससे क्या होगा, भक्ति बढ़ेगी। या ये कहा कि जो खुद भक्ति बहुत अच्छी करता है मुझे सबसे प्रिय है। नाउ यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? ये है भक्ति, ये है कृष्ण भावनामृत, ये है कृष्ण भावनामृत।